हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है 10th क्लास जो सेमी इंग्लिश के बच्चे हैं उनके लिए है। साइंस का जो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, स्टडी ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि ग्लास प्रिज्म हमारा किस तरह से होता है। इस तरह से आपने ग्लास प्रिज्म देखा होगा है, और इसके अंदर से अगर हम लोग कोई लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर लाइट है तो क्या होती है, एक डायरेक्शन में निकलती है। अगर एक डायरेक्शन में लाइट है तो आपने देखा होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलती है। तो यही सबसे मेन जो प्रिज्म का काम होता है कि ये अलग अलग डायरेक्शन के लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में कन्वर्ट करती है, और सिंगल डायरेक्शन के लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में कन्वर्ट करती है। यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यानी जो कलर भी है, स्पेक्ट्रा है, वो भी हम लोग इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे आप अगर रेनबो देखते हो तो रेनबो वाला जो फिनोमिना है वो सेम इसके अंदर भी होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एम दिया गया है टू स्टडी द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म बाय द ट्रैकिंग द पाथ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म एंड मेजरिंग द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जो यहाँ से लाइट यहाँ पे आती है, और एंगल ऑफ जो ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन, और इसके बीच में जो एंगल होगा वही एंगल आपको क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में चेक करना है। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिया है कि आपको इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट लगने वाली है, क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर दिया है, आपको इस प्रोसीजर को पढ़ना है और आपको समझना है कि आपको किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करना है। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को आपको परफॉर्म करने से पहले आपको एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर दिया होता है वो प्रोसीजर पढ़ना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, ताकि आप कहीं पे भी कोई गलती ना करो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, क्योंकि हमने जिस तरह से आपको बताया था कि अगर हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, ये देखो हमारे पास एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के ऊपर आप देखो तो यहाँ पे आपको एक लाइट को पास किया गया है, इमर्जेंट रे डाला गया है, और यहाँ से आप देखो तो एक इंसिडेंट रे यहाँ से निकल रहा है, ये आपका इमर्जेंट रे, यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे। ओके, और यहाँ पे आप देखो तो ये भी आपका इंसिडेंट रे है और ये भी आपका क्या है, इमर्जेंट रे है। तो ये दोनों चीज के बीच का जो एंगल है वो आपको एंगल यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, तो ये कैसे आप फाइंड करोगे, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन यहाँ हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन यहाँ हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अच्छे से बताई गई है कि एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होता है, ठीक है, एबी में और एसी में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रहा है। तो अगर जिन बच्चों को यहाँ पे नहीं दिख रहा है प्रॉपर, मैं उनको यहाँ पे बता दूं कि ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रेक्शन आएगा, और यहाँ पे आप देखो 30 डिग्री पे तो ये 32 आएगा, यहाँ पे आप 24, ये आपका 31। ओके, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 48, 44 और 41। एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना है, यहाँ पे 20, 30 और 35। ओके, तो ये बच्चे नोट कर लेंगे, अगर बच्चों ने पहले से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है और उन्होंने रीडिंग लिखी है तो उनका रीडिंग प्रॉपर है। अगर जिन्होंने रीडिंग नहीं लिखी है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो आप ये वाला रीडिंग लिख सकते हो। ओके, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, यहाँ पे ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखो टूअर्ड द नॉर्मल, ये आपका दूसरा वाला है, ये आपका लेस देन का साइन है, यानी आपको इस तरह से साइन दिखाया गया है अवे, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आपका डिक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे आपका इंक्रीजेस। ओके, तो इस तरह से सारा का सारा जो एमसीक्यू है, जो इन्फ्रेंसेस है, वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई रीडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बच्चे लोग मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूंगा। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।